हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम मीडियल टॉपिक का टाइप सेकंड करने वाले हैं। तो टाइप सेकंड में एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप सेकंड में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लेस देन ओजाय। हम मीडियल निकालेंगे लेस देन ओजाय से। स्टूडेंट्स, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा कि लेस देन ओजाय का यूज करते हुए, यानी कि ड्रॉ अ लेस देन ओजाय फ्रॉम, तो मीडियल निकाल रहा है इसे, मतलब लेस देन ओजाय का यूज करते हुए। और ऐसा भी क्वेश्चन में आएगा कि ड्रॉ करना है, यानी कि आपको इसके लिए आपको ग्राफ बनाना बताऊंगा आज मैं, लेस देन एंड मोर देन ओजाय, यानी कि या तो क्वेश्चन में सिर्फ लेस देन लिखा होगा या फिर लेस देन एंड मोर देन लिखा होगा। उसके अलावा मैं आपको इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपके सामने क्लास इंटरवल है, इससे लेस देन बनाया जाएगा, इससे मोर देन बनाया जाएगा, और अगर क्वेश्चन में लेस देन और मोर देन दे रखा है तो उससे कैसे कन्वर्ट करके ये क्लास इंटरवल बनाया जाएगा। तो बेसिकली आज की क्लास में मैं आपको क्लास इंटरवल को कहां कहां कन्वर्ट किया जाता है जो कि रिलेवेंट है वो मैं आज सिखाने वाला हूं, और दो क्वेश्चन कराने वाला हूं न्यूमेरिकली, एक सिर्फ लेस देन ओजाय का और एक लेस देन और मोर देन ओजाय का। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, मीडियन निकालना है, लेस देन ओजाय का इस्तेमाल करते हुए मीडियन निकालना है, मीडियन का टॉपिक है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, कम्युलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें आप लेस देन ओजाय बनाने वाले हो, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, इससे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाने वाले हो। आप लिखेंगे यहां पर जैसे क्लास दे रखी है उसी क्लास को लिखेंगे क्लास, लेकिन साथ में लिखेंगे लेस देन, यानी कि आप हर संख्या को लेस देन से कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी लिखिए वैसे ही फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी है ना, इसे हम एफ भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके, ये जो लेस देन वाला टॉपिक जो बनेगा आपके पास इसे हम एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे जनरली एक्स, और इसे मैं एफ की जगह पर वाई बोल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे है और लेस देन ओजाय का जो बनेगा वो एक्स एक्सिस पे, ये डेटा एक्स एक्सिस पे आएगा, ये डेटा वाई एक्सिस पे आएगा, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब हो क्या रहा है, कैसे डेटा बन रहा है, जरा उसको एक बार देख लेते हैं। लेस देन बनाना है आपको क्लास, तो देखो बेटा यहां है आपके पास 20, तो 20 से पीछे तो कुछ भी नहीं है, 20 से पीछे तो जीरो है, 20 से पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन 25 से पीछे आपके सामने 6 है। देखो यहां पर दे रखा है क्लास, यानी कि जो क्लास 20 से लेकर 25 है उसके बीच में 6 फ्रीक्वेंसी है, तो 25 से पहले पहले, 25 से पहले पहले कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो 6 फ्रीक्वेंसी है 25 से पहले, तो यहां पर 25 लिखेंगे। उसके बाद यहां पर ये वाली संख्या लिखी जाती है, बेसिकली आप ऐसे देख सकते हो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ये सारी संख्या लेस देन हो जाए में लिखी जाएगी, 25 फिर 30 फिर उसके बाद 35 देन 40 45 50 55 एंड 60। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं लिखा है कि 25 है, इसका मतलब लिखा है कि 25 से कम, लेस देन 25, इसका मतलब है लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40, इसमें कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो 25 से कम, 25 से कम में अगर देखें तो कितनी फ्रीक्वेंसी है, 6। अगर मैं 30 से कम में देखूं तो 30 से कम में ये भी आएगा, 30 से कम में ये भी आएगा, ये दोनों आएंगे 30 से कम में। अगर मैं 25 से कम कह रहा था तो 30 से कम में तो ये दोनों आएंगे ना, ये भी आएंगे ये भी आएंगे, यानी कि 9 और 6 दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 9 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो 6 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। उसके बाद कहता है 35 से कम, तो 35 से कम में तो सारा आ जाएगा ना, पीछे का सारा, तो ये भी आएगा ये भी आएगा ये भी आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो बेसिकली 15 तक तो जोड़ चुके थे इन दोनों को, तो 13 और जोड़ देंगे 15 में, तो कितना हो जाएगा ये 15 और 25 और 3 28, तो इसके सामने लिख देंगे 28। फिर कहता है 40 से कम, ये 40 है, 40 से कम में 23 भी और जुड़ जाएगा, तो इसलिए 28 में 23 और जुड़ देंगे, तो 8 और 3 होते हैं आपके सामने 11 का एक हासिल का एक, और 2 और 2 4 और 1 5, 51 आएगा। उसके बाद 45 से कम, स्टूडेंट 45 से कम में क्या आएगा, तो 45 ये है, इतने कम में 19 और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 19 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, 0,
और एक छह और एक सात 70 आना चाहिए, है ना। 50 से कम में क्या आएगा स्टूडेंट, इसमें 15 और जोड़ दीजिए तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो 85। फिर 55 से कम में क्या आएगा, 9 और ऐड कर दीजिए, इसमें 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 94। फिर उसके बाद 6 और ऐड कर दीजिए तो 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, लेस देन का मतलब ये 25 से कम मतलब सिर्फ 6, 30 से कम मतलब 6 और 9 दोनों, अगर 35 से कम कहता हूं तो ये तीनों, अगर 40 से कम कहता हूं तो ये चारों, अगर 45 से कम कहता हूं तो ये पांचों। तो इस तरीके से आप इसे लेस देन ऊंचाई बना लेते हैं, लेस देन का फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। इसके बाद एक्स एक्सिस पर ये संख्या वाई एक्सिस पर ये संख्या बनाएंगे, मैं यहां पर ग्राफ बनाऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ये आपका ग्राफ है और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप ग्राफ बनाएंगे, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस पर आपको ये संख्याएं लिखनी है तो 25 से लेकर 60 तक की संख्या लिखनी है, जीरो के बाद पहला आप इक्वल डिस्टेंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की जगह थी मैंने लगा दिया। 25 से लेकर 60 तक संख्या लिखेंगे यहां पर 25 30 35 40 45 50, उसके बाद 55 60 and 65 भी लिख लेता हूं, इसको 60 तक लिखना पे जरूरत नहीं थी। चलो उसके बाद बेटा यहां पर आप लिखेंगे कट लगाएंगे कितनी, सबसे छोटी संख्या 6 है और सबसे बड़ी संख्या 100 है तो 10-10 का गैप लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तो 8 ही तक आएगा तो मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लूंगा और 9 10 भी कर दूंगा, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा ये। चलो 10 तक की संख्या लिख दी, उसमें मैं 10-10 की संख्या लिख दूंगा ऐसे करके, 1 10 लिख दूंगा, फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। गौर से देखिएगा स्टूडेंट कि 0 से लेकर 10 गैप इक्वल जा रहे हैं वाई एक्सिस पे, लेकिन एक्स एक्सिस पर गैप इक्वल नहीं, क्योंकि पहला गैप अनइक्वल है, दिख रहा है ये पहला 0 से 25 का बीच का गैप अनइक्वल है, इसे कहते हैं फॉल्स बेस लाइन। यहां पर इसे कट लगा देंगे ऐसे करके, जिगजैग करके बना देंगे ऐसे करके, ऐसे ये कट लगाने का मतलब हो गया कि इसके बीच का जो ग्राफ था ना जिसका डिस्टेंस 25 था वो हमने कट कर दिया, है ना। तो इसे कहते हैं ये लाइन फॉल्स बेस लाइन है, इस पर थ्योरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, बट फिलहाल तो फॉल्स बेस लाइन क्या होती है पता लग गया, ये बीच का गैप पहला वाला गैप इक्वल नहीं है बाकी सारे इक्वल है, तो यहां पर कट लगा दिया। अब बस सिंपल जैसे लोकेट करते हैं, 25 पर 6 लिखना है, 25 ये रहा और 6 मेरे को 5 से थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, मैं अंदाजे से लगा रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा। 30 पे 50, तो x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 50, 30 इस तरफ जाएंगे, 50 ऊपर, 15 ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 30 इधर, पहले यहाँ 30 तक गए, अब ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ 15 चलेंगे, तो कहाँ चले जाएंगे हम, अंदाजे से लेके आ रहा हूं मैं, ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 35 पे 28, तो 35 आगे बढ़ जाएंगे, ये रहा 35, 28 कहाँ मिलेगा, 28 मिलेगा मुझे यहाँ, लगभग यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, 40 पे 51, तो 40 ये रहा और 40 ये रहा, 40 ये रहा और 51 यहां मिलेगा मुझे, 51 मुझे मिलेगा यहां और 40 मिलेगा यहां, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, 40 पे 51 और 45 पे 70, तो 45 मिलेगा ये रहा और 70 ये रहा मेरे सामने, तो मैं थोड़ा अंदाजा ले लेता हूं, और 45 पे है ना 70 नहीं 50 पे 70 है, 45 पे ये था 40 एंड देन 45 पे 70, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 70, तो 45 पे 70 मिलेगा तो ये लगभग यहां मिल जाएगा, ओके। उसके बाद 45 पे 50 पे 85, 50 ये रहा और 85 यहां कहीं मिलेगा बीच में, ये 55। उसके बाद 55 पे 94, 94 है 55 पे, 94 यहां मिलेगा ऊपर और 55, एंड देन लास्ट में है 60 पे 100, तो 60 पे 100 का मतलब 100 सबसे ऊपर है और 60 यहां है, ये रहा 60, है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं थोड़ा आगे पीछे दिख रहा हूं, तो ये आपके सामने ये जो मैंने आपको डॉटेड लगा के दिए हैं इसे मिला देने से लेस देन ओजाइव बनता है। कैसे बनता है देखो, इसको मिलाएंगे ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधा, एक फुट्टा रखने के बाद आप इसे ऐसे मिला दीजिए, स्केल रखने के बाद मिलाइएगा, ये
मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये इसे मिलाइए, इसे मिलाइए और इसे लिख दीजिए यहां पर, इसका नाम लिख दीजिए लेस देन ओजाइव। ये लेस देन ओजाइव बन चुका है। अब मुझे मीडियन निकालना है, इसका इस्तेमाल करके मीडियन कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए। तो मीडियन निकालने का तरीका जो है, वैसे तो ग्राफ से वो सिखा रहा है लेकिन हम ग्राफ से नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका था जो पिछली वीडियो में आपने जरूर देखा होगा उसी तरीके से हम मीडियन निकालेंगे। फिलहाल मीडियन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, मीडियन के लिए जरूरत पड़ती है हमें, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, यहां मीडियन के लिए जरूरत पड़ती है, जगह यहीं पर है, वैसे ग्राफ को टच नहीं करना है आपको। मीडियन के लिए आपको जरूरत पड़ती है एन बाय टू टर्म की, टर्म या फिर ऑब्जर्वेशन या आइटम कुछ भी लिख लीजिए। अब एन क्या है, तो एन होता है टोटल, तो इसका टोटल जो आया है वो आया है 100, तो एन की वैल्यू 100 आएगी यहां पर, तो 100 बाय टू कितना मिल जाएगा, 100 बाय टू ऑब्जर्वेशन जब हम बात करेंगे तो 50th ऑब्जर्वेशन मिलेगा। यानी कि आप जाइए फ्रीक्वेंसी में 50 के पास, फ्रीक्वेंसी इसे कहेंगे, ध्यान रखना इसका नाम फ्रीक्वेंसी है, आप चाहे तो लिखेंगे जरूर फ्रीक्वेंसी, और बेटा इसे कहेंगे जो नीचे दे रखा है आपको क्लास, लिखना जरूर है सारा नाम, सही है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कितना जाना है आपको, 50, 50वें फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे तो आपको मिलेगा ये मीडियन, क्लास मीडियन कितना है 50, ये है आपके सामने, तो 50 पर आप ऐसे करके लाइन खींच दीजिए, ये आपने 50 पे लाइन खींच दी और टकराने के बाद ये नीचे आएगी। अब ये कहां आएगी, 40 पे आ रही है, 40 के थोड़ा ज्यादा आ रही है, 40 से थोड़ी कम आ रही है, यानी कि इसका आंसर 41 हो सकता है, इसका आंसर 39 हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, मुझे क्या पता। तो अगर मैं ग्राफ से कहूं तो ग्राफ से हम जब भी आंसर निकाल पाएंगे जब डेसिमल के बाद सिर्फ एक संख्या है, एक डिजिट है, तभी निकाल सकते हैं अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो। अदरवाइज ग्राफ जो है हमारे पास, जो पेपर ग्राफ है वो भी कैपेबल नहीं है इसको देखकर एग्जैक्टली मीडियन क्या आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही अपना पुराना तरीका कि हम पहले मीडियन निकाल लेंगे और उठा के वैल्यू रख देंगे यहां पर। हालांकि इसने कहा है हेंस फाइंड आउट द मीडियन, हेंस का मतलब कि इसे ग्राफ बना के और ग्राफ से मीडियन निकालिए, ये क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना और कोई तरीका, बस ग्राफ से मीडियन आ गया है इस समय 40। अब मे बी इसका आंसर 40 आएगा, मे बी इसका आंसर 41 आएगा, क्योंकि मेरा जो लिखा हुआ है ये ग्राफ पेपर थोड़ा ही है, आगे पीछे हो सकता है, तो मैं एक बार इसे रीचेक कर लूंगा क्या आंसर 40 ही है। तो रीचेक कैसे करूंगा, बहुत सिंपल सा तरीका था रीचेक करने का, कि ये मेरे पास क्या आया था 50, ये 50 का नंबर कौन से नंबर पे आया भाई, अगर मैं इसको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूं तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी इसी के नीचे लिख देता हूं, वैसे जगह नहीं है लेकिन आप एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि तो बाद में मेरे को बनाना पड़ेगा, बना ही लेते ना। देखो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे लेस देन ओजाइव से ग्राफ बनाया और आंसर 40 आ गया। मैं दोबारा से कर रहा हूं, इसे रब कर रहा हूं मैं पहले, ठीक है ना, इतने हिस्से को रब कर रहा हूं और फिर उसके बाद इसमें मैं मीडियन निकाल के दिखाता हूं। तो मीडियन का ट्रेडिशनल तरीका हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये मैंने इतना हिस्सा रब कर दिया और इसे रब कर दिया, यहां पर मेरे पास क्या था भैया, यहां पर था मेरे पास क्लास इंटरवल, क्या था क्लास और इंटरवल, और क्लास इंटरवल क्या है मेरे पास 20 to 25, 25 to 30, 32, 35, 35 to 40, and 40 to 45, 45 to 50, and 50 to 55, and 55 to 60, ओके okay? अगर मैं प्रॉपर करूं तो ये लो मैंने लाइन खींच ली ताकि आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है। ये हमने मीडियन निकालना सीखा है स्टूडेंट, आपने भी सीखा होगा बिल्कुल मीडियन निकालना। उसके बाद दूसरा कॉलम बनाऊंगा मैं, दूसरे कॉलम में लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 6, 9, 13, 23, 19, उसके बाद 19 के बाद 15 and 9 and 6, यही तो तरीका होता है मीडियन निकालने का। इसके बाद निकालते हैं हम सीएफ, सीएफ मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पहले में 6 लिखेंगे, 6 में 9 जोड़ेंगे, 15 में 13 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। ये सीएफ आ गया था, इसमें n की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 100, और n डिवाइड करो तो आया 50th term कहां मिलेगा बेटा, यहां मिलेगा 50th, मीडियन मिलेगा यहां। इस वाली लाइन में लोअर लिमिट क्या है 35, फ्रीक्वेंसी क्या है 23, इससे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं cf बोलते हैं, ये है l, ये है फ्रीक्वेंसी f और ये है cf,
और h क्या है, दोनों का बीच का डिफरेंस जो कि 5 है। तो मीडियन का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां मैनेज कर लूंगा। मीडियन का फॉर्मूला मेरे पास होता है, देखिए मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस का एन बाय टू माइनस सी एफ और अपॉन में एफ इंटू में एच। ये मेरा मीडियन का फॉर्मूला है जो आपको शायद दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। इस फॉर्मूले पर वैल्यू रखिए, आंसर देखते हैं 40 आता है या उसके नियरेस्ट आता है। तो पहले एल की वैल्यू रखेंगे जो कि 35 है, 35 प्लस एन बाय टू जो कि 50 है माइनस पी एफ जो कि इससे ऊपर वाली संख्या को लिया जाता है 28 अपॉन में फ्रीक्वेंसी के सामने वाली संख्या को लिया जाएगा 23 इंटू में एच यानी कि इन दोनों का गैप लिया जाएगा जो कि 5 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 प्लस का इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 और 5 में से 2 गया तो बचेगा मेरे पास कितना, नहीं 4 में से 2 गया तो 2 आएगा एंड डिवाइड बाय 23 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये तो आंसर आपका नियरेस्ट तो आएगा 5 के, ठीक है ना, लेकिन एग्जैक्ट 5 नहीं आएगा। देखो कैसे बना, मैं आपको अगर देखूं तो इसका आंसर जो सॉल्व करेंगे तो क्या इसका आंसर 1 आ रहा है, सोचो इसका आंसर 1 नहीं आ रहा ना। अगर ये 23 अपॉन 23 होता 1 आ जाता, 1 आ जाता तो 1 की मल्टीप्लाई 5 में कराते 5 आ जाता, 5 प्लस 35 40, इसका आंसर आया था 40। लेकिन अब इसका आंसर 40 से जस्ट नीचे है यानी कि 39.9 समथिंग है। आंसर जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसे सॉल्व कर लेना, 35 प्लस का ये हो जाएगा 5 10 यानी कि 11, ए 110 बटे में 23 और इसका आंसर 5 नहीं आ रहा है, 5 के नियरेस्ट आ रहा है। जब सॉल्व करेंगे तो आपका काम है ये सॉल्व करना, ठीक है ना, और जो भी आंसर आएगा वो लगभग 5 नहीं आ रहा क्योंकि 23 5 से अगर मैं बात करूं 5 के 15 एक 5 10 11 115 होता है अगर 5 बार में काटो, ये 110 है थोड़ा कम है, तो यहाँ पर लगभग अंदाजे से ले रहा हूँ 4.9 समथिंग आएगा, तो 39.9 समथिंग आएगा। यानी कि जो मीडियन है अगर मैं इस ग्राफ के जरिए से निकालूं तो मेरा मीडियन यहाँ पर ऐसे करके दिखा देंगे मीडियन फिनिश, लेकिन अगर मेरे को एग्जैक्टली मीडियन की वैल्यू निकालनी है तो ये प्रोसेस से आपको दोबारा से सॉल्व करके उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। मीडियन इज इक्वल टू 39.9 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा हो, क्योंकि कंफ्यूजन होती है अगर इसका सॉल्यूशन आप बुक में देखेंगे, अगर कोई टीचर आपको नहीं बता रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें जो मिस कर जाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होती है। एक बार आपने ये देख लिया लेसन हो जाए कैसे बनता है आपको समझ में आ गया, किस तरीके से बना था वो भी समझ में आ गया। अब हम चलेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन के पास जिसका नाम है लेस देन एंड मोर देन हो जाए। तो होप सो कि आप ये क्वेश्चन पहले कॉपी कर चुके हो, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। तो स्टूडेंट आपके सामने अब ये दूसरा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, उसके बाद मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना, वो बस आपको डिटेल में बताऊंगा, क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। फिलहाल आपको कहता है यहां पर क्वेश्चन में ड्रॉ ओजाइव कर्व्स। अब कर्व्स का मतलब होता है कि दो कर्व है, ये लिखा हुआ है कर्व, इसका मतलब दो कर्व है, लेस देन भी है मोर देन भी है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर इसमें लेस देन और मोर देन तो लिखा नहीं हुआ, भाई कर्व्स लिख दिया है, या कभी कभी लिख देता है ड्रॉ ओजाइव्स, ऐसे लगा देगा तो इसका मतलब दोनों बनाने हैं, कंपलसरी है ना, नंबर कटवा लोगे। कहता है एंड शो द मीडियन ऑन द ग्राफ, और ग्राफ पर मीडियन शो करना है, बस इतना काम करके फिनिश करना, अभी करने वाले और जब कर देंगे तो चेक करके दिखाओ अपना एक्चुअल कैलकुलेशन से कि क्या वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके सामने डेटा है और जैसा कि मैंने कहा है पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, अब दो चीजें बनाएंगे, दो डिस्ट्रीब्यूशन, एक लेस देन और एक मोर देन। तो पहले मैं यहां पर लिखता हूं लेस देन, लेस देन ओजाइव को मैं एक्स बोलूंगा और उसके बाद आपके सामने एक वाई का डेटा आ जाएगा, एक्स और वाई एक्सिस है ना, दोनों चीजें मैं यहां लिख दूंगा, एक लेस देन ओजाइव और एक वाई। उसके बाद आएगा इसी में ही अगला कर लेते हैं मोर देन, मोर देन मोर देन ओजाइव को मैं एक्स बोलूंगा और वाई मेरे सामने अलग से आ जाएगा, ये मोर देन ओजाइव, तो ये अलग कर लेते हैं, ठीक है। दो अलग अलग डेटा बनेंगे, दो अलग अलग संख्या बनेगी, दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, ये एक्स है ये वाई, एक्स है ये वाई। एक्स क्या होगा, लेस देन, अभी अभी आपने सीखा कि 10 से छोटा, 10 से छोटा 10 में आएगा 10, फिर उसके बाद ये वाली संख्या लेंगे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ये तो सीखा आपने, कितना आसान था, 10 फिर 20 फिर 30
40, फिर 50, फिर 60, तुम कितना साल का। अब 10 से छोटा यानी कि जिसकी डेली वेज रखे रुपीज में 0 से 10 रुपए के बीच में जो है, ऐसे तीन वर्कर्स है, तो 10 रुपए से कम कमाने वाले कितने वर्कर्स है भाई? तीन वर्कर्स है। 10 रुपए से कम कमाने वाले तीन वर्कर्स है। 20 रुपए से कम कमाने वाले कितने? 20 रुपए से कम। तो भैया 20 रुपए से कम वो भी तो आ जाएंगे जो 10 रुपए से कमाते हैं। मैं आपसे कहूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो 20 रुपए से कम पैसे कमाते हैं? तो सर ऐसे हैं 9 + 3 टोटल 12 लोग। 12 लोग हैं 20 रुपए से कम ही तो कमाते हैं वो। सोचो अपने दिमाग से सोचो जरा, अगर मैं कहूं 30 रुपए से कम कमाने वाले कितने हैं, तो ये सारे 30 रुपए से कम ही तो कमाते हैं। तो आप ये 12 तक तो जोड़ चुके थे, 15 और जोड़ लीजिए इसमें, तो 12 में 15 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा? 27। कैलकुलेशन चेक करते जाना। 40 से कम कमाने वाले में 30 और जोड़ दीजिए भाई, इसमें 30 और जुड़ जाएगा, इसमें तो आएगा 57। उसके बाद 50 रुपए से कम कमाने वाले सारे हैं, यहां तक 57 हो चुका था, अब यहां लिखेंगे तो 50 और 67 प्लस 8 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 67 और 3 और 5 यानी कि 75। उसके बाद आएगा यहां से कम में 80, तो 80 है ना, 5 और जुड़ जाएगा। ये मेरे पास एक डेटा मिल चुका है मुझे, और इसका मुझे ग्राफ बनाना है अभी, लेकिन मोर देन भी बना लेते हैं। मोर देन में क्या करना है भाई? मोर देन के अंदर सेम जैसे ये वाली संख्या ली थी लेस देन में, ये संख्या ले लीजिए मोर देन में, मोर देन ओके। ये देखिए 0 से ज्यादा, 0 रुपए से ज्यादा पैसे कमाने वाले कितने लोग हैं भाई? सारे ही ज्यादा कमाते, सारे टोटल थे कितने? 80 थे, तो मोर देन 0 में 80। उसके बाद 10 से ज्यादा कमाने वाले कितने? 10 से ज्यादा, तो 10 से ज्यादा कमाने वाले देखो आप गौर से, ये 3 को हटा दो, पीछे से 3 हट गया भाई, देखो आप कह रहे हो ना 10 से ज्यादा, उस तरफ जा रहे हो आप, इस तरफ 10 से ज्यादा सारे लोग 10 से ज्यादा ही कमाते हैं, बस 3 को छोड़ देंगे, पीछे वाला छूट जाएगा, ये 10 से कम कमाता है। तो आप लिखेंगे सर 3 घटा दो, 80 में से 3 घटा दो, 10 से ज्यादा कमाने वाले 80 में से 3 घटाएंगे तो कितना रहेगा? 77। क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद कहता है 20 से ज्यादा कमाना है, 20 से ज्यादा कमाना है तो उसमें से 9 और कम हो जाएंगे, पहले 3 कम हुए थे अब 9 और कम हो जाएंगे, इसमें से 9 और कम कर दो, 20 से ज्यादा कमाने वाले में 9 कम करेंगे तो कितना आएगा भाई? इसमें से 9 लेस करना पड़ेगा आपको, तो 9 10 और 8 और 6 68 आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कहता है 15 और कम कर दो, 30 से ज्यादा कमाने 15, इसमें से 15 और घटा दो, तो 30 से ज्यादा कमाने वाले 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 घटाएंगे तो आएगा 3, 1 घटाएंगे तो 5, 53। फिर उसके बाद 30 और कम कर दो भाई इसमें से, तो 30 कम कर देंगे तो 40 से ज्यादा में 30 कम करेंगे तो कितना रहेगा? ये रहेगा 23 आना चाहिए। उसके बाद 18 और कम कर दो यहां से, तो 18 कर दोगे तो 50 से ज्यादा में आ जाएगा, देखो ना 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा यहां 50 है, इससे ज्यादा कमाने वाले 18, पीछे रह गया 18, तो ये कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 19 20 और 3 5 आएगा। फिर उसके बाद आएगा 50 से ज्यादा में 5 आ गया, बस खत्म, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, 60 से ज्यादा कुछ है ही नहीं, बनेंगे नहीं। ये बात समझ में आती है? क्लियर है ना। तो आपको लेस देन कहां से लेना है, मोर देन कहां से लेना है बता दिया। देखो अलग अलग टेक्निक होती है एक ही चीज को कराने की, बुक्स में भी होगी, टीचर्स भी कराएंगे। कई टीचर्स कहते हैं कि सर हम 10 से नहीं 0 से लेंगे, ठीक है ले लो, फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि मीडियम तो बीच में आता है, आप अपर और लोअर को फर्क ही नहीं करता है ना। यहाँ पर ओपन एंड क्लासेस वाली आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि पहली और लास्ट वाले का कुछ फर्क नहीं पड़ता। 0 से कम यहां पर लेंगे सर, हम 0 से शुरू करेंगे। कई इस बुक्स में या टीचर्स बोलेंगे कि सर हम 60 भी मेंशन करते हैं, 60 से ज्यादा में 0 आता है तो 60 से ज्यादा में 0 लिख देंगे, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर सेम है। तो ऐसा नहीं है, कुछ फ्लेक्सिबल नियम रखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, रिजिड नियम नहीं है कोई। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं एक बार, तो ग्राफ जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं यहां बनाऊंगा ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको, प्रॉपर सदे हुए हाथ से ग्राफ बनना चाहिए ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा ग्राफ बने। जैसा कि आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पर 0 से लेकर 60 तक की संख्या ही है, 50 ही है, 60 तक की संख्या है, तो 0 10 20 30 40 50 और 60 20 30 40 50 और 60 बहुत सिंपल जा रहा है। उसके बाद आप वाई की वैल्यू देखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है 3 और सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है मुझे 80, तो ऑफ कोर्स मैं यहां पर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 80 है तो मैं 10 10 से क्या कर लेता हूं भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, 10 20 30 40 50 60 70 और 80।
आप चाहे तो आठ आठ का गैप ले सकते हैं, आठ धम अस्थि भी हो सकता है ना, आप चाहे तो उसके आगे पीछे भी ले सकते थे, है ना, आठ आठ का गैप लेते यहां तक आ जाता, सिंपल, मैंने दस का ले लिया। चलो अभी और क्या है भाई, सारे गैप इक्वल है, सब कुछ ठीक जा रहा है। यहाँ पर लिखना है आपको डेली वेज, यहाँ पर इस इधर लिखना है नंबर ऑफ वर्कर्स और नीचे लिखना है आपको डेली, लिखना जरूर है भैया तभी लिख रहा हूं मैं, वर्कर्स और वो भी इन रुपीस, नहीं ये रुपीस थोड़ी होगा, डेली वर्कर्स आ गए हैं ना, और मैंने क्या कर दिया, डेली वेज, सॉरी 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 डेली वेज, डेली वेजेस वो भी इन रुपीस, राइट। तो वेजेस नीचे आ गया, वर्कर्स यहाँ आ गया, फ्रीक्वेंसी हमेशा यहाँ होती है, जिसको फाइंड करना होता है हमेशा नीचे रहती है, ये बात अपने जहन में रख ले। तो यहाँ पर पहले लेस देन और जाएक बनाते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में क्या था, 10 पे 3, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 3, यहाँ पर अपना पैन रखिए, x की तरफ जाइए 10, 3 ऊपर मिलेगा, ऊपर 10 से थोड़ा इधर मिल जाएगा। उसके बाद 20 पर 12, तो x की वैल्यू 20 यहाँ है और 12 थोड़ा ऊपर जाएगा, 10 से ऊपर जाएगा, ये इधर मिलेगा, ओके। उसके बाद है 30 पर 27, तो 30 यहां पर मिलेगा और 27 यहां मिल जाएगा, अगर इसके तरीके से देखोगे तो ये यहां मिलेगा 27, तो मैंने यहां खींच दिया। उसके बाद क्या है 40 पे 57, 57 तो 40 मिलेगा मेरे को यहां और 57 मिलेगा मुझे 50 और 60 के बीच मिलेगा यहां लगभग, यहां खींच दे रहा हूं, है ना, ओके ना। फिर उसके बाद मिलेगा 50 पे 75, 50 मेरा पहले 55 है ऐसे और फिर ऊपर बढ़ेंगे 75, ऊपर की तरफ जाएंगे 75 तो मुझे मिलेगा ए या ओके। उसके बाद मिलेगा मेरे को 60 पे 80, तो 80 तो ऊपर है और 60 जो है लास्ट में यहां, ये मेरे पास लेस देन ओजाइव है, बहुत सिंपल है, बस स्केल लेना है और मिला देना है ऐसे, फिर ऐसे, देन इस तरीके से, देन यहां से मिलाइए, प्रॉपर सदैव हाथ से मिलाना है और इसका नाम जरूर लिखना है, यहां पर लिखना है लेस देन ओजाइव, ओके। अलग से भी लिख देते हैं यहां पर लेस देन ओजाइव और उसके सामने ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है, फिलहाल मैंने इसी को लिख दिया। मोर देन की बात करें तो सेम तो तरीका है, जीरो पे 80, जीरो ये रहा, 80 ये रहा, एक तो पॉइंट ये बन गया, 10 पे 77, 10 ये रहा और 77 तो भाई 80 के ही पास होगा यहाँ, ठीक है। 20 पे 68, 20 ये रहा और 68 मिलेगा मुझे लगभग यहाँ, 20 पे 68। उसके बाद 30 पे 53, तो 30 ये रहा और 53 मिलेगा मेरे को, 50 से ऊपर मिलेगा यहाँ, लगभग यहाँ मिलना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या मिलेगा 40 पे 23, तो 23 40 पे 23 मिलेगा यहाँ कहीं और 40 मिलेगा मुझे यहाँ। उसके बाद 50 पे 5, तो 50 पे मेरा 50, सॉरी मेरा 50 और 5 मेरा यहाँ मिलेगा, तो ये लगभग यही, बस आप चाहो तो 60 पे 0 मिला सकते हो, आप चाहो तो यही छोड़ सकते हो। फिलहाल अब ये दो पॉइंट्स बने हैं, इसको पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ इतना करना है कि डॉटेड लाइन खींचनी है, डॉटेड, ये डॉटेड लाइन मिला देंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, डॉटेड लाइन समझ में आ रही है आपको, इजी जा रही है, बस जहां पर ये कट करती है वही बन जाएगा मीडियन, ऐसे खींच देंगे बिल्कुल सीधी लाइन और इसका नाम लिख देंगे यहां पर ऐसे करके मीडियन, यहां पर नाम लिख देंगे मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू यहां आई है, मीडियन की वैल्यू आई है 30 और 40 के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट बीच में नहीं है, कहां पर है ये नहीं पता, इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे मीडियन सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट पहले इसे कॉपी कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इस सेक्शन को रब करने वाला हूं और रब करने के बाद आपको मीडियन जैसे कि नॉर्मली हम सब निकालते हैं वैसे ही निकालने वाला हूं और देखूंगा कि 30 और 40 के बीच में आ रहा है। चलिए तो मैं इसको रब कर देता हूं और जैसा मीडियन हमने सीखा है निकालना वैसे ही सीखेंगे अब दोबारा से। तो मीडियन में मुझे लेस देन की जरूरत पड़ती है तो मैं किस वाले हिस्से को नहीं मिटा रहा हूं, या मिटा देता हूं, छोड़ो दोबारा लिख लेंगे यार। थोड़ी मेहनत कर लीजिएगा, जितनी मेहनत करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। आप सबसे पहले लिखिए क्लास इंटरवल,
यहां पर लिख दीजिए एक्चुअल कैलकुलेशन वाला मेथड है, क्लास इंटरवल, फिर लिखिए फ्रीक्वेंसी, फिर लिखिए सीएफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में लिखिए 0 टू 10 टू 20 20 टू 30 और 30 टू 40 40 टू 50 50 टू 60, ये आपके सामने आ गया क्लास इंटरवल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में लिखिए 3 9 15 30 18 एंड 5। देन क्लास इंटरवल कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या लिखिए 3 12, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 57, 7 7 14 15 5 हासिल का 1 6 और 1 7 और 80। तो n की वैल्यू आ गई है 80। थोड़ा रैपिडली चल रहा हूं, आपको ये सब चीज सिखा चुका हूं। मीडियन का फॉर्मूला लिखिए, मीडियन इज इक्वल टू होता है n बाय ट्रूथ टर्म, और ये है आपके सामने 80 अपॉन ट्रूथ टर्म, इसका मतलब 40th नंबर। तो 40वां नंबर कहां मिलेगा, 27 के बाद यहां मिलेगा। इसमें आपके पास ये है L, ये है F, इससे ऊपर वाले को कहते हैं CF, दोनों का गैप है। तो आप यहां पर सारी संख्या लिख दीजिए। सबसे पहले लिखिए L क्या है, L है आपके पास 30। उसके बाद लिखिए F क्या है, F है आपके पास 30। उसके बाद लिखिए CF, इससे ऊपर वाला CF क्या है, CF है 27। फिर लिखिए H क्या है, दोनों का गैप कितना है 10। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है आपके सामने L प्लस का N बाई 2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में H। ये फॉर्मूला है, रखिए L की वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर, 30 प्लस का N बाई 2 कितना दे रखा है 40, माइनस का CF कितना दे रखा है 27, F की वैल्यू भी 30 इनटू में H की वैल्यू 10। 0 से 0 कट जाएगा, ये जाएगा 30 प्लस का, घटाएंगे तो आई थिंक 13 आ रहा है, 13 बाई 3, तो 13 3 4 12 और 3 3 9 लगभग 4.3, तो यह आ जाएगा 34.3। तो 34.3 जो आपका आंसर आया है वो मीडियन है, आप चाहे तो लिख सकते हैं 34.3। होप सो गाइस, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, कठिन नहीं है, बस हाँ पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको एकदम डिफरेंट लगेगा कि हाँ लेस देन मोर देन और जैव से कैसे निकल रहा है। अंदाजे से निकलता है मीडियन, आप एक्चुअल वैल्यू तो इसी से निकाल सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो अब हम इसको रब करने वाले हैं, रब करने के बाद चलेंगे हम किसके पास, अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं। जैसे पहला टॉपिक है कि आपको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, कन्वर्ट करना, सीरीज को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरा मैं बताने वाला हूं, जैसे कि अभी आपको इससे यानी कि आपके सामने क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था आपके पास क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल से आपने लेस देन और मोर देन दो यहां पर सीखे, आपने लेस देन मोर देन कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही लेस देन और मोर देन दे रखा हो तो उससे क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं सिखाऊंगा और फिनिश हो जाएगा आज की क्लास का ये टॉपिक। ओके स्टूडेंट, जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज के दो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। तो पहले हम एक्सक्लूसिव सीरीज को समझते हैं, क्या होता है एक्सक्लूसिव। देखो एक्सक्लूसिव सीरीज हमारे वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिस पर हम न्यूमेरिकली उसे सॉल्व करते हैं, मीन मीडियन मोड कैसे भी सॉल्व करेंगे वो सब के सब एक्सक्लूसिव सीरीज से ही सॉल्व होते हैं। यानी कि हमें क्वेश्चन हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में रखना है। अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज का है तो हमें उसे एक्सक्लूसिव बनाना है, और अगर क्वेश्चन एक्सक्लूसिव सीरीज का है तो उसे एक्सक्लूसिव ही रहने देना है और सॉल्व कर देना है। सिंपल जा रहा है, ठीक है। अब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव है क्या, इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड होना, शामिल होना, एक्सक्लूसिव का मतलब एक्सक्लूड होना, शामिल नहीं होना। तो क्या है ऐसी चीज जो शामिल है और नहीं है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये क्लास इंटरवल बच्चों के नंबर है, मार्क्स है, और ये बच्चों की संख्या है, ये भी आपके सामने मार्क्स दे रखे हैं और ये बच्चों की संख्या दे रखी है। सिंपल, अब मैं कहता हूं जो 10 नंबर से लेकर 19 नंबर तक बच्चे लेके आए हैं नंबर मार्क्स, 10 से लेकर 19 तक मार्क्स लेके आए हैं, ऐसे 7 बच्चे हैं, यानी कि इन 7 बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा 10 से लेकर 10 भी ला सकता है, 11 12 13 14 ऐसे करते 19 तक के नंबर आ सकते हैं, ऐसे 7 बच्चे हैं, और 20 से लेकर 29 तक नंबर लाने वाले 15 बच्चे हैं। अगर मान लो किसी बच्चे के 19.5 आ जाए, भाई आते हैं 19.5 आते हैं बच्चों के नंबर, अगर किसी के 19.5 नंबर आ जाए
तो दुविधा ये है इंक्लूसिव सीरीज की कि उसे कहां रखा जाए भाई, उसे 19 में तो नहीं रख, 19 के 19.5 तो 19 से ज्यादा हो गया ना, और 20 में भी नहीं आ सकता क्योंकि 20 के तो ये 19 से कम, 19.5 कम हो गया। तो ये समस्या, जबकि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये स्टेटिस्टिक्स की समस्या बन गई जब डेटा कलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन की बारी आई। तो उन्होंने कहा भी ऐसी कोई समस्या जब आएगी, जब दोनों में कोई ना कोई गैप होगा, तो इस गैप को भरेंगे और सॉल्व करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके, और इस सीरीज को जो कि नाम इसका इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव बना देंगे। क्लियर है बात? तो इंक्लूसिव सीरीज में जितनी संख्या आपको दिख रही है वो सारी शामिल होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज में जितनी संख्या आपकी दिख रही है वो सारी शामिल नहीं होती है, एक्सक्लूड होती है। कौन एक्सक्लूड होती है? जैसे 0 से 20 के बीच में 20 एक्सक्लूड है। अगर किसी बच्चे के 20 नंबर आते हैं तो वो यहां काउंट नहीं होगा, वो यहां काउंट होगा, 20 यहां काउंट होगा, 20 21 22 23 24 ऐसे यहां काउंट होगा। जिस बच्चे के 30 नंबर आते हैं 30 या 29.9999 काउंट होगा, यही होगा, लेकिन जैसे ही 30 आ जाएगा यहां काउंट नहीं होगा, यहां काउंट होगा। तो हो गया ना एक्सक्लूड, यानी कि ये नंबर जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे नंबर ये जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एक्सक्लूड होते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, लेकिन ये सारे के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। तो समझ में आ गया? अब इसको एक्सक्लूड कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, दोनों का गैप इक्वल होना चाहिए। फिलहाल गैप दोनों का एक है 19 और 20 में, इसका आधा करेंगे तो एक का आधा करेंगे 0.5 आएगा, यहां 0.5 घटा देंगे और यहां 0.5 जोड़ देंगे। तो इसको मैं बना देता हूं, इस सीरीज को जो कि इंक्लूसिव है इसको कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव सीरीज बना देता हूं, एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना बहुत आसान है, क्लास इंटरवल लिखेंगे, यहां 0.5 घटाएंगे तो 9.5 आएगा, यहां पर 0.5 जोड़ेंगे तो यहां पर आएगा 19.5, यहां 20 में से 0.5 घटाएंगे तो 19.5, यहां 29 में जोड़ेंगे तो 29.5, देन इसी तरीके से घटाएंगे 39.5 और इधर जोड़ेंगे तो कितना, ऐसा निकल तो गया, यहां पर जब घटाएंगे इसमें तो आएगा 29.5 और इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 39.5, इधर घटाएंगे तो 39.5 और इधर जोड़ेंगे तो 49.5, 50 में से घटाएंगे 0.5 49.5 और 59 में जोड़ेंगे तो 59.5, इधर 60 में से घटाएंगे तो 59.5 एंड 69.5। F वही रहता है, F में कोई चेंज नहीं होता, 7, 15, 18, 25, 30 एंड 20। होप सो गाइस आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज को समझा जाए। इजी था बट डिफरेंट था, ठीक है, एक बार समझाना तो जरूर बनता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब चलते हैं हम लेस देन और मोर देन अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो उससे कैसे क्लास इंटरवल बनाते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, एक और जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब क्वेश्चन में लिखा होता है लेस देन और आपसे कुछ भी पूछ लेता है, वो आपसे मेनली तो मीडियन पूछता है लेकिन मीन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, मीडियन के लिए ये स्पेसिफिक बना है वैसे, तो ऐसे लेस देन करके आपको डेटा मिलेगा या फिर मोर देन, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है ना। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में जो मैंने एक क्वेश्चन कराया है आपको लेस देन और मोर देन हो जाए वाला, यानी कि इस वीडियो में मैंने दो पूरे न्यूमेरिकल कराए हैं, जो दूसरा वाला न्यूमेरिकल है ये वो क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये वही क्वेश्चन को मैंने लिखा है, वापस इसको मेरे को क्या बनाना है, एक एक जो है क्लास इंटरवल बनाना है ताकि मैं उसे सॉल्व करके मीडियन निकाल सकूं। इसमें से तो मीडियन नहीं निकलेगा, तो कैसे निकलेगा मीडियन, देखो यहां से इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लेस देन वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, लेस देन वाले की, लेस देन वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके क्लास इंटरवल बना रहा हूं, लेस देन टू क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कैसे बनेगा लेस देन से वो देखिए, सब सिंपल है, मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्लास इंटरवल लिखूंगा साथ में फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। क्लास इंटरवल में क्या लिखूंगा, कहता है लेस देन 10, तो 10 से कम, कितना कम नहीं पता, तो गैप देख लो और थोड़ा आइडिया लगा लो कि 10-10 का गैप है, तो 10 से कम मतलब कि 0 से 10, 0 से 10 में क्या लिखा जाएगा, पहली संख्या लिखी जाएगी डायरेक्ट 3 ऐसा कैसे। फिर 20 से कम में सारा नहीं देना क्योंकि इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 20 से कम में तो सारा आ गया ना, ये 12 जो लोग हैं इसमें वो लोग भी आ गए हैं जो 10 से कम में थे, उसे घटा दो, तो 12 में से 3 घटा देंगे, तो आप लिखेंगे 10 से 20, 12 में से 3 घटाएं कितना आएगा 9 आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो 10 रुपए से कम कमाते हैं? सर ऐसे 3 वर्कर्स हैं। ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो 20 रुपए से कम कमाते हैं? सर ऐसे 12 वर्कर्स हैं। तो जरा दिमाग लगाओ कि सपोज कर लो कि मैं एक स्पेसिफिक जगह गया जहां बहुत सारे 80 वर्कर्स मेरे सामने खड़े हैं, 80 ही है ना यहाँ पर, हाँ 80, और मैंने कहा कि आप सब जने बैठ जाइए पहले, भाई मैं चला गया। जाने के बाद मैंने कहा भाई ऐसे कितने बच्चे हैं या फिर वर्कर्स, ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो कि 10 रुपए से कम कमाते हैं, अपना हाथ ऊपर करिए। तो 3 लोगों ने अपना हाथ ऊपर कर लिया, बहुत सिंपल है। 3 लोगों ने कहा कि भाई हम जो है 3 जने 10 रुपए से कम कमाते हैं। मैंने कहा ठीक है आप अपना हाथ ऊपर ही रखिए, ओके। और फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, और मैंने क्वेश्चन ये किया कि ऐसे कितने लोग हैं जो 20 रुपए से कम कमाते हैं, वो खड़े हो जाइए। तो कितने लोग खड़े हुए? 12 लोग खड़े हुए जिनका हाथ ऊपर था। उन्होंने सोचा कि हम बैठे क्यों रहे, हम भी तो 12 रुपए से कम कमाते हैं तो हमें खड़ा होना भी बनता है। अब उनका हाथ भी ऊपर है और वो खड़े भी हो गए, 3 तो वो हो गए, उसके अलावा 9 लोग और खड़े हो जाएंगे। कितने लोग? 9। तो टोटल कितने हो गए गिनती में? 12 लोग। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन जब इसका क्लास इंटरवल बनाया तो मैंने कहा ऐसे कितने लोग हैं, यहां पर व्यक्ति हैं, वर्कर्स, जो 10 रुपए से 20 रुपए के बीच में कमाते हैं, बीच में, यहां तो वही आए ना, ये इनके बीच में आते हैं, ये इनके बीच में आते हैं। तो एक तो ये तरीका है जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई नो के वीडियो पे एक्सप्लेन करना और बच्चों को अंडरस्टैंड कराना बहुत मुश्किल काम है, बट हम ऐसी कोशिश करते हैं ऑफलाइन में, तो मैं ऑनलाइन में जरूर करूंगा ये काम। तो समझ में आता है ऑफलाइन ऑनलाइन में बेटा? बस इतना अंतर है कि ये बात जो मैंने अभी बोली है अगर समझ में नहीं आती है तो मैं बच्चे की शक्ल देख लेता हूं और फिर यही बात दोबारा रिपीट करता हूं किसी और एग्जांपल्स के लिए, और फिर भी समझ नहीं आता, फिर मैं इस बात को तीसरी बार बोलता हूं और उसके बाद फिर कोई और एग्जाम्पल हो जाता है। जनरली तो बच्चे का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बच्चे को कहते हैं स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए, इतने नंबर आए थे, आप भी खड़े हो जाइए, तो फिर उससे आ जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसी सिचुएशन मेरे सामने नहीं होगी, तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होगी। हाँ लेकिन आप मेरी यही बात जो मैंने पहले बोली थी उसको दोबारा रिपीट करेंगे, एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल को दोबारा से रिपीट करके शायद आपको समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ गया, आपके दिमाग में क्लिक हो गया, तो बात बिल्कुल फ्लो में हो जाएगी। वैसे तो एक ही बार में हो जाना चाहिए था, लेकिन हर स्टूडेंट एक जैसा माइंड फ्रेम नहीं रखता है, याद रखना। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने जैसा बताया आपको कि ये कैसे होता है, उसके अलावा दूसरा तरीका भी है जो बहुत सिंपल है। क्या? रटने वाला। कैसे? कि जब भी आपको लेस देन से क्लास इंटरवल बनाना है तो पहली संख्या तो ऐसे ही लिख लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे देखो, 10 से कम, फिर 20 से कम, फिर उसके बाद 20 से 30 है ना, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, फिर 50 to 60, को 60 से कम तक ही है। पहली संख्या को तो फ्रीक्वेंसी में ऐसे कैसे लिख लेंगे, फिर इसे घटाएंगे, नीचे से ऊपर घटाते हैं, तो पहले घटाएंगे तो 9 आया, फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा आपके सामने, आएगा आई थिंक 7 में से 2 गया तो बचता है 5 और 2 में से 15, फिर बेटा इसमें से इसे घटाएंगे, ये रटने वाला प्रोसेस है, इसमें से इसे घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, 30 आएगा, फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा आपके पास 7 और 3 और 5 8 आया, और ये 6 में से 5 गया 1 18 आएगा, उसके बाद इधर घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5। कितना आसान है रटने का प्रोसेस, ये सीधा सीधा तरीका, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा आपको रटना है कि हमेशा लेस देन, कभी कभी कंफ्यूज करेगा वो आपको। एक और क्वेश्चन में बताऊं, वो क्वेश्चन में ही लिखेगा लेस देन 60, लेस देन 50, लेस देन, उल्टे से लिख देगा वो। आपने कहा सर ने तो बताया था नीचे से ऊपर घटाते, ये तो उल्टा हो गया, आप कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए लेस देन 60, 50, 40, 30, 20, 10 और यहां पर संख्या हो जाएगी 80, 75, 57, 27, 12 और 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए, याद रखना सारा लेस देन है, घबराना नहीं, पहले इसको सीधा करवाए, ऐसा बनाना है, फिर इससे ऐसा बनाना है, कितना आसान है। यानी कि आपको एक ही पैटर्न याद रखना है कि छोटे से बड़े की तरफ ही जाएंगे सर, अगर पेपर में बड़े से छोटा आ जाए तो पहले छोटे से बड़ा बताना बताया, तो इसे उल्टा करना क्या, 10 को ऊपर लिख लेंगे, फिर 20, फिर 30, सारे सामने सामने जो संख्या वैसे की वैसे लिखी जाएगी। ऐसे इसमें भी, अगर इसमें भी बड़े से छोटा आपको लिखा हुआ मिल जाए, जो कि मिलता है एग्जाम में, ऐसा आता है, तभी बोल रहा हूं मैं इतना, तो आपको पहले उसे छोटे से बड़ा बनाना है। कितना सिंपल जा रहा है, ठीक है ना। अब चलो आप, हम इसे बना चुके हैं तो इसके बाद हम इसको अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोर देन 2 क्लास इंटरवल, मोर देन से क्लास इंटरवल, वो वाला क्वेश्चन चल रहा है भाई, याद रखना। तो पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे,
फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। क्लास इंटरवल बहुत सिंपल है, मोर देन जीरो फिर 10 20 तो ऐसे लिखते चले जाएंगे। आप लिखेंगे 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 एंड 50 टू मोर देन 50 में 10 10 का गैप आ रहा है तो भाई सेंस रखेंगे आप कि 60 तक ले जाएंगे, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप यहां पर f की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे यहां पहली वाली संख्या लिखी थी फिर नीचे से ऊपर घटाया था, यहां ऊपर से नीचे पहले ही घटाना शुरू कर देंगे। लिखेंगे नहीं घटाएंगे, तो ऊपर से नीचे घटाएंगे तो कितना आएगा 3, फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा आप बताइए जरा, इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास 9, है ना, 68 और 9। फिर उसके बाद इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा आप घटा के देखिए, इधर आएगा 15। उसके बाद इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा जरा सोचिए, इसका आएगा आंसर गलत कर दिया मैंने 3 9 15 15 ही आएगा ना। फिर उसके बाद इधर घटाएंगे तो 30 आएगा, कितना आएगा 30। और फिर बेटा इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 5 18 आएगा, और बेटा इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो इसको कॉपी कर लेंगे ऐसा क्या ऐसे ही 5। सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम दोबारा लिख दिया मैंने, लेकिन घटाने का तरीका अलग है। ऊपर से नीचे घटाते हुए आओ और नीचे वाला सेम लिख जाओ, यहां पहले वाले को लिख दो और फिर नीचे से ऊपर घटाते जाओ, कितना सिंपल जा रहा है। ये तो रटने वाला तरीका है, जो बच्चे इसे कनेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आई डोंट नो, बट आप समझिए ज्यादा, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी तो पेपर में जैसे भी घुमा के क्वेश्चन आएगा, थ्योरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, आप उसे अपनी तरफ से जो भी लिखेंगे मार्क्स लेके आएंगे। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई, और होप सो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो बुक्स में बच्चा इग्नोर कर देता है, वो क्लियर हुआ होगा। अदरवाइज आपको अगर समझ में नहीं आया है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। उसके अलावा पूरा शेड्यूल मैंने आपको बताया है कि मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी कोर्स को कर रहे हो, अगर उसमें मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स या वो टॉपिक्स जो मुझे आते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ इतने सालों से, अगर वो टॉपिक्स आपके पास आपके एज ए सब्जेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं, आप मुझे मेल करिए। मेल आईडी आपके लिए मेंशन है, उसमें क्या क्या आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, मैं कॉन्टेक्ट भी कर सकता हूँ आपको, या डायरेक्ट बिना कॉन्टेक्ट करे भी अगर मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं उस पर वीडियोस लेक्चर बनाऊंगा। मैं एक या दो वीडियो बनाने के मूड में नहीं हूं, मैं पूरा कोर्स देने वाला हूं। अभी फिलहाल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर मैं इसके लिए कॉस्ट मेंशन करूंगा भी तो इतनी कम कॉस्ट होगी कि स्टूडेंट्स इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या कॉस्ट रखूंगा और किस तरह से परचेस कराऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ गैजेट्स की जरूरत होगी, मुझे हेल्प की जरूरत होगी, मुझे टीम चाहिए होगी। टीम में मैं वैसे तो खुद ही सारे काम करता हूँ, मैं टाइप खुद करता हूँ, सॉल्व खुद करता हूँ, उसके बाद वीडियो लेक्चर्स खुद रिकॉर्ड करता हूँ, इसे एडिट खुद करता हूँ, सारे काम अभी फिलहाल मेरे पास है। लेकिन अगर मैं आप सब बच्चों को आउटपुट देना चाहता हूँ, अगर मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के लिए अलग अलग कोर्स डिजाइन करूंगा तो अकेला मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। दैट्स वाई जब मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा तो किसी को हायर करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आप सब बच्चों की सेवा के लिए लगा रहूं, जो कि मैं इतने सालों से कर रहा हूं। जितनी जरूरत होगी मैं आपसे सामने से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि मेरे को इतनी जरूरत है। फिलहाल मैंने अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि ऐसा होगा। तो अभी फिलहाल जब तक ये फ्री कोर्स है एंजॉय करें, और जब भी ये पेड कोर्स में आएगा, अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है कभी ना आए, ऐसा भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन कि मेरे पास जो सामने से सिचुएशन है वो कैसी होगी। तो एंजॉय करें, कोई प्रॉब्लम है कॉमेंट्स करें, सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं, और बच्चों को शेयर करके बताएं कि भाई ये कोर्स है और ये पूरा कोर्स सर देना चाहते हैं, तो आप अगर इसको जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना लोगों तक पहुंचेगा, तो शायद जितनी मेहनत मैं करूं वो वसूल होगी। ओके, होप सो आपको समझ में आया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय गाइस।